गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। तारीख हो गई है आज 18। टाइम हो गया तकरीबन सुबह के 10 चाइनीज के हिसाब से। तो आज निकले हैं अपन विंडो ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए। बस अभी होम लिफ्ट में चलते हैं। तो यहाँ का अभी हूँ मैं यहाँ पे। How is our day? What? लाइन नंबर 2। तो बस ये पहुंच गया मैं विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका पार्किंग एरिया। जस्ट मेट्रो से बाहर निकलते ही आपको ये नज़ारा दिखेगा। क्या शानदार, देखो यार, पपड़ वपड़ बना रखी है। बस मतलब यहाँ से एंट्री होती है विंडो ऑफ द वर्ल्ड के लिए। तो चलो चलते हैं। ये पार्किंग एरिया है पूरा यहाँ का। फाइनली ये है विंडो ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ी बारिश लगी हुई थी और तो बस अभी मौसम गीला गीला है, मौसम अच्छा भी है। तो आज बहुत क्राउड है यार। तो कहते हैं यहाँ पे मोस्टली क्राउड रहता ही है। जन्ने वन लगे हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे लगे हैं रील बनाने के लिए। बहुत भीड़ है भाई, बहुत। ये है पिरामिड बाबा। तो आओ चलो पहले फटाफट टिकट देते हैं, चलते हैं अंदर। ये कॉमन एरिया है यहाँ का। ₹220 की वंडर वर्ल्ड की फ्री नहीं है। ₹220 का टिकट है ये वंडर वर्ल्ड फुल डे। तो वापस चलना पड़ेगा सिक्योरिटी लाइन में। बहुत रश आया यार, तो सैटरडे है ना, ऑफ हो गया। तो बहुत रश है यहाँ के लोग, बड़े कंजर है। ये है वॉल ऑफ द फेम। यहाँ पे भी यार देखो बहुत अच्छा रोड बना रखा है। सबसे पहले अपना इंडिया का ये साइन है और ये यहाँ से पूरा नजारा। यहाँ रात को शो वगैरह होता है तो आप यहाँ बैठ के आराम से शो लेजराइटिंग वाला शो होता है यहाँ पे, वो देख सकते हैं। तो ये देखो वॉल ऑफ द फेम, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बाजी का कॉपी की है और दुनिया के जितने भी बेहतरीन नमूने हैं उनको यहाँ बनाया है। जो भी दुनिया के बेहतरीन चीज़ें हैं, जगह हैं, उनको इन्होंने यहाँ बनाया है और वो खुद ही उन्होंने कॉपी किया है इस चीज़ को। वैसे वो चाइनीज़ कॉपी करने में तो मास्टर है ही, तो उन्होंने सारी मास्टरियाँ लगा दी। तो चलो चलते हैं आगे। रेंट पे 200 RMB पर घंटे का है
और 500 एमबी का डिपॉजिट लगेगा कि इजी रहेगा, देखता हूँ लेता हूँ अगर मिल जाता ना बैटरी वाला आएंगे तो ले लेते हैं। नवा मस्त है भाई, पूरा मिनीचर आर्ट वाला है, मस्त थोड़ा महंगा है लेकिन ठीक है। ये देखो पूरा रॉयल थाई और इतना अच्छा बनाया है, इतनी अच्छी इन्होंने ग्रीनरी करी है, ये जितने भी पगोड़ा वगैरह हैं इतने अच्छे बना रखे हैं लोगों ने। और साइज जरूर छोटे हैं, अगर बड़े बना देना तो रियल को मात दे दें ये लोगों। और हर जगह आपको भीड़ मिलेगी, बच्चे बच्चे और बच्चे, बस ये यहाँ आप पूरा सा घूमते रहो। और यहाँ ना मैप ले लो, मैप के बिना इसको घूमना थोड़ा मुश्किल है, कई चीज़ें आप छोड़ देंगे। तो यहाँ आते ही पूरा मैप ले लो, ये पीछे एफिल टावर भी चलेंगे पीछे वहाँ पे भी। ये देखो भाई लंदन भी देख लो, पैरिस भी देख लो, सब कुछ 220 आरएमबी में देख लो। ये मेन लंदन ब्रिज, क्लॉक टावर, डिटेल देखो यार, बहुत बढ़िया कॉपी करी है लोगों ने वास्तव में। यहाँ क्या है, सब जगह पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है तो ये पूरा वीडियो वॉइस ओवर में जाएगा क्योंकि कॉपीराइट एक मिनट में आता है। काफ़ी तेज म्यूजिक चल रहा है, ब्रिटेन, पार्लियामेंट, पीछे पेरिस, और बहुत बड़ा एरिया ना उन्होंने कवर कर रखा है, बहुत बड़ा। इस पूरे इस गार्डन को उन्होंने कई सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, तो वो जब वहाँ से मैप लेंगे ना आप तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जस्ट मैप को फॉलो करो तो आराम से ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये तो क्या, कभी ये रह जाएगा कभी वो रह जाएगा और एक दिन भी यहाँ कम पड़ जाता है। ये देखो बेहतरीन यार, बेहतरीन। ये देखो भाई शानदार है ना, अब सेम्प्यूल वाला जो मंदिर, खैर यहाँ मैं इजिप्ट के अंदर नहीं जा पाया था लेकिन यहाँ देख लिया, बहुत बेहतरीन बनाया है, पानी वानी भी बनाया है, जैसा वहाँ है वैसे कॉपी मार के बना दिया। ये इजिप्ट के थीम के अंदर बना रखा है लोगों ने और ये भी बड़ा मस्त है,
बच्चे बच्चे हो ना तो चिक चिक के जान निकल जाएगी इनकी। और म्यूजिक तो भाई देखो इनका, इंजॉय करो उसको। तो तो ये पहुंच गया मैं चाइना के पिरामिड्स। हालांकि मैंने रियल पिरामिड्स दिखे हुए हैं तो इनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो उन लोगों ने नहीं देखा वो यहाँ भी फ़ोटो खींच रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। या इजिप्ट का भी आज सफ़र एक यादगार रहा था, ठीक है वहाँ के लोगों ने बहुत तंग किया, लेकिन पिरामिड्स बचपन से देखने की इच्छा थी। तो
दोबारा पिरामिड्स देख लिए हैं, चाइनीज पिरामिड सही नहीं, पिरामिड्स देख तो लिए, पूरा पीला पत्थर लगा के उन्होंने पिरामिड्स बनाए हैं। के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ, लिफ्ट है भाई, लिफ्ट है, लिफ्ट ला सकते हो, चलो लिफ्ट से लेंगे अब तो, अब तो क्या ही दिक्कत है। वही सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चलेंगे, लिफ्ट से चलेंगे, कहाँ है भैया लिफ्ट, तो फिलहाल मैं हूँ एफिल टावर के फर्स्ट फेज़ पे, तो यहाँ लिफ्ट भी है लेकिन उसका आपको पे करना पड़ेगा, तो मैं फ्री वाले जो सेक्शन में हूँ तो आपको यहाँ पहिया पहिया सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ेगा। तो ये है एफिल टावर का फेज़ फर्स्ट। हम एफिल टावर के सेकंड स्टेज तक ज़्यादा ही ऊंचा है यार, ये देख लो भाई, बस इससे ऊपर एंट्री नहीं है, या फिर टावर का सेकंड जो स्टेज बोलते हैं उसको, बस वहीं तक आप आ सकते हो। तो बस हो गया भाई एफिल टावर पूरा, अब जा रहा हूँ नीचे वापस, दोनों फेज उतर कर, सीढ़ियाँ थोड़ी चौड़ी संकरी है तो चढ़ने में उतरने में दिक्कत है, बाकी ठीक है। चलो एफिल टावर, चाइनीज एफिल टावर तो देख ही लिया यार, जब समय आएगा तब पेरिस वाला भी देख लेंगे। तो कुल मिला के इस पूरे वंडर ऑफ द वर्ल्ड का जो सबसे मेन अट्रैक्शन जो है ना, वो अभी तक का एफिल टावर था, उसके बाद अभी एक और है वो देखेंगे, और ये एक्चुअली दो ही सबसे फेमस है, जो यहाँ आता है यहाँ दो पे दबा के फोटोज़ खींचता है। तो चलो पहुँच गया नीचे, चलते हैं आगे। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इंडोनेशिया अंगोर वाट बाली में है शायद। तो देखा ना कितना मतलब रियलिटी का रूप दिया है, ओरिजिनल लुक देने की कोशिश की है लोगों ने, बाकी बनाया अच्छा है और बहुत बड़ा एरिया देखो कवर किया है, जितना मतलब बड़ा एरिया एक्चुअल में है ना उसी के रेशियो के हिसाब से इसका एरिया भी कवर किया हुआ है। पत्थरों का कलर, पत्थरों का डिजाइन, क्रैक्स इवन तक ये लोग कॉपी मार लिए हैं।
तो यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है, हाथी देखो, ये थाईलैंड वाला सीन, मतलब हर चीज़ अच्छी बारीकी से उन्होंने कॉपी की है। अच्छा है, शानदार है। पगोडा, मतलब यहाँ आओ ना तो आराम से अपने वाटर बॉटल वगैरह साथ लेके आओ, बच्चों बच्चों को यहाँ छोड़ दो तो सुबह से लेके शाम तक यहाँ आराम से चिल मार सकते हो आप, काफी बेहतरीन। ये देखो, खोद के बनाया था, खोद के ही बनाया है। देखो यार, हेलो, जबरदस्त कॉपी बाज बताओ। कॉपी कितने बेहतरीन तरीके से की है, ये देखो। तो भैया इंडिया की आन बान शान ताजो महल आ गया। ये देखो ताजमहल अपना, तो ये देख लो इंडिया की शान। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा क्राउड मिलेगा ना, या तो क्राउड मुझे मिला एफिल टावर के पास में, या सबसे ज़्यादा क्राउड मिला है ताजमहल के पास में। ये भी काफ़ी अच्छा बनाया है, बाकी ताजमहल ताजमहल है। ताजो महल, तो देख लिया चाइनीज ताज महल या इंडियन ताज महल इन चाइना। आयतें वगैरह सब बना रखी हैं उन्होंने यहाँ पे। तो भाई ये पहुँच गए हम लोग लंदन, यूरोप का फील देगा, सामने एफिल टावर, क्लॉक टावर देखो, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने मतलब बनाया है। और कितना पैसा उन्होंने खर्च किया यार, इसके लिए अगर ये लोग 220 आरएमबी भी ले रहे हैं तो वर्थ है, मेंटेन भी करना है ना। और कितना यहाँ स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ लगा है उनको मेंटेन करने के लिए, तो वैसे देखो महंगा नहीं है, बेहतरीन है। तो चलो भाई चलते हैं यूएसए। ये पार्लियामेंट, यूएस पार्लियामेंट, ये है भाई हॉलीवुड, और ये सामने न्यूयॉर्क स्काईस्क्रैपर्स, ये आपकी मतलब ये थोड़ा छोटा लगा यार,
बट इसका थोड़ा रेशो छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो बहुत शानदार लगता। बाकी कलर वलर बिल्डिंग के कलर वगैरह कॉपी मार डाले हैं बकरे के। है मस्त, पानी वानी सब जगह बनाया भाई। खत्म तकरीब बच गया, पाँच पाँच घंटे लग गए मेरे को यार पूरा घूमने में। उन्होंने सेम सेम चीज़ें मैं छोड़ आया, काफ़ी बहुत बड़ा है।